मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज मंत्रालय में मिर्सा चिरीपाल ग्रुप के डायरेक्टर ज्योति प्रकाश चिरीपाल तथा प्रेसिडेंट दीपक जैन ने भेंट कर निवेश से संबंधित चर्चा की। यह समूह 30 एकड़ क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए निवेश करके टेक्सटाइल यूनिट स्थापित करेगा, जिससे 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हम अन्नदाताओं को समृद्ध सशक्त बनाने का, उनके खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आगामी 22 अप्रैल को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले वन समितियों के विशाल सम्मेलन एवं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अन्य अतिथियों के प्रस्तावित आगमन के अनुसार सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में आवश्यक समीक्षा बैठक की। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की 931 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग पेयजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किया जाना है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित ओबीसी विभाग का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संबोधित किया। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि सीएम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से क्षेत्र के बच्चों को सर्व सुविधायुक्त विद्यालय मिल सकेगा। विद्यालय की मैपिंग करते समय स्थान, खेल मैदान, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। बीएसबीपी अध्यक्ष अजय कुमार द्वारा भुआ बिछिया प्रवास के दौरान स्थानीय समाज सेवियों और राष्ट्रभक्तों को अयोध्या से लाई गई पावन मिट्टी भेंट की गई। लोक कला एवं रीति रिवाज पर हुआ चिंतन मंथन, रानी दुर्गावती स्मृति सेवा न्यास द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनजाति रीति रिवाज, लोकगीत एवं लोक कला पर विचार मंथन हुआ। कान्हा में कोदो कुटकी तिहार के आयोजन में पडवानी गायिका श्रीमती नीतू झारिया अंजनिया के द्वारा संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर मंडला ने पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत सरोवर सहित अन्य जल संरचनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने को भी कहा।